नमस्कार दोस्तों, आज आवाज के इस स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको झकझोर कर रख देगी, क्योंकि आपने सुना होगा कि देश में करोड़ों की संख्या में युवा हैं जो बेरोजगार हैं, और बेरोजगार सुनते ही आपकी दलीलें होती होंगी कि शायद पढ़ाई लिखाई उतनी बेहतर ना रही हो, या फिर शायद उनका जो एजुकेशन थी, जो स्किल्स की जरूरत थी, शायद वो इतनी बेहतर ना रही हो, तभी ये युवा बेरोजगार है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि देश की सबसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज कौन सी है, आप कहेंगे IIT, आप कहेंगे NIIT। तो दर्शकों, अगर मैं आपसे कहूं कि इन्हीं कॉलेज से पास होकर आप बेरोजगार हो सकते हैं, सड़कों पर आ सकते हैं और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपकी कोई नहीं सुनने वाला, विश्वास करेंगे? जी ऐसा है। यह दिल्ली की सड़कों पर है। दिल्ली की सड़कों पर हमने तस्वीर देखी, जहां हम पहुंचे, जहां हमने लोगों को बिल्कुल सामने कैमरा दिया और उनसे कहा कि आप सरकार से बात करिए, उनसे कहा कि आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए, आपके पास आवाज है, आपके पास न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की आवाज है, आप इसके जरिए अपनी बात सरकारों तक रखिए और उनको बताइए कि देखिए आपकी सरकार में हम इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर भी क्या कर लिए, आज हम सड़क पर खड़े हैं और आप अपने दफ्तरों से बैठकर बड़े बड़े आंकड़े पेश कर रहे हैं, उन आंकड़ों पर चोट करेंगे, उन आंकड़ों को धुंधला करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए, जहां हम आपको यह दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली के मंडी हाउस में बीते एक महीने से IITs और NIITs से पास युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनको वापस लिया जाए, उनकी मांग है कि उनकी नौकरी को बहाल किया जाए। आप लगातार उनकी बातों को सुनिए और इस रिपोर्ट को देखिए, वहीं से हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। वर्ष 2017 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग 1554 असिस्टेंट प्रोफेसर को 20 लो इनकम स्टेट्स में, जिनकी एकेडमिकली वीक कॉलेजेस जो थे, उसमें जो है 1554 लोगों को एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति दी गई थी, और इनकी रिक्रूटमेंट एक रिगरस ओपन सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सितंबर 2017 से दिसंबर 2017 के बीच में 20 NITs को नोडल सेंटर बना के इनकी नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति का आधार गेट की क्वालिफिकेशंस, गेट में अच्छी रैंकिंग्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमिनेंस के कॉलेजेस से लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, और ये जितने 1554 लोग हैं सब IITs और NITs से पास आउट हैं, और इनकी नियुक्ति जनवरी 2018 से इनको ज्वाइनिंग दी गई थी। प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य था कि एकेडमिकली वीक इंजीनियरिंग कॉलेजों की जो तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में एक ड्रॉप डाउन है, उसमें सुधार किया जाए, और जो भी ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो भी निकल रहे हैं, उनको जो है एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए और उनकी इम्प्लॉयबिलिटीज और ग्रेड के परफॉर्मेंस में बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ इसमें भारत सरकार और राज्यों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जिसमें कि इस प्रोजेक्ट पीरियड्स के बाद इन 1554 IITN NITN जो कि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर्स कार्यरत हैं, इनके समायोजन की एक सस्टेनेबिलिटी प्लान बनानी थी। दुर्भाग्य की बात है कि अभी ये प्रोजेक्ट समाप्ति को है और 30 सितंबर 2021 को ये प्रोजेक्ट समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सस्टेनेबिलिटी प्लान निर्गत नहीं हुआ है, और ये सारे IITN और NITN 30 सितंबर 2021 के बाद रोड पे होंगे और इनका फ्यूचर अंधकार है में है, और हम लोगों से जुड़े लाखों जो स्टूडेंट्स हैं उनको, वो भी इनसे प्रभावित होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि तकनीकी शिक्षा में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो वो ये है कि फैकल्टीज़ की कमी है, क्योंकि स्टूडेंट फैकल्टीज़ रेशियो मेंटेन करने के लिए जो एज पर AICTE नॉर्म्स होने चाहिए, उतने फैकल्टीज़ हमारे पास नहीं है। तो सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे बारे में सोचे, और जो भी MOU साइन हुआ था उसके अंतर्गत हमें एक सस्टेनेबिलिटी प्लान बना के हमें समायोजित किया जाए और कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। नमस्कार, मैं रहीमुद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामिक यूनिवर्सिटी पुलवामा से।
मैं फिलहाल NIT श्रीनगर से PhD कर रहा हूँ इसी स्कीम के अंतर्गत टेक्यूप स्कीम के। हमारे स्टेट में, हमारा स्टेट जब हम लोग ने पहले अंदर यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुआ था तो हम लोग उस टाइम स्टेट्स थे, J&K स्टेट, बट अभी यूनियन टेरिटरी हो गया है। बट फिर यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी सरकार वहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर सकती है, मगर उन्होंने अभी तक कुछ इसका स्टेप नहीं लिया है और अभी भी वो इस स्कीम को बढ़ाने का कोई महत्व नहीं देख रही है। और जहाँ तक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू का हिसाब है, आपको पता ही है कि पुलवामा में पिछले 3 साल से बहुत लॉस हुआ है एजुकेशन का, मगर फिर भी हम लोगों ने अपने स्तर पे रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर काफ़ी फोकस किया है। स्टिल उतना फोकस होने के बावजूद भी हम लोगों को आज सड़क पे बैठना पड़ रहा है, अपने बात अपना टैलेंट को दिखा के भी हमारे पास जितने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ नॉलेज है, उसको भी बताने के बावजूद भी हम लोग को आज यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। ये बहुत दिलो क्षति प्रदान करने का एक हमारा मनोबल भी टूट जाता है इस वजह से, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने कष्ट देखा है उसका कहना तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ ये है। और दूसरा एंड जहाँ तक रिसर्च का है, हम लोगों ने कुल मिला के 1.5 करोड़ पैसा लिया था थ्रू CRS के थ्रू। हमारे प्रोफेसर्स ने 1.5 करोड़ का रिसर्च लाया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स आए बच्चों के लिए, वहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन बढ़ा है, गेट क्वालिफिकेशंस वहाँ पे बढ़े हैं, जो बच्चे कभी गेट में आते नहीं थे एग्ज़ाम देने के लिए उनको गेट के बारे में पता चला, आज वो लोग NIT, NIT, IITs में जाके प्लेस्ड है। तो ये एक अपलिफ्टमेंट हुआ है उनके स्टैंडर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स में। फिलहाल मैं अपने सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो हमारे इनिशिएटिव्स को, वो हमारे परिश्रम को देख के हमको अपना रेगुलराइजेशन MOU को फॉलो करे और स्टेट्स पे प्रेशर बनाए। थैंक यू। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन राजौरी J&K जम्मू एंड कश्मीर। हमें 2017-18 में हमें जो है रिक्रूट किया गया था एज असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, लेकिन उसमें ये बताया गया था बेसिकली ये स्कीम इसलिए स्टार्ट करी गई थी सो दैट जो रूरल इंडिया है वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस में जो है जो एजुकेशन जो है टेक्निकल एजुकेशन है वो उनकी उसकी क्वालिटी जो है ये सुधारी जाए। लेकिन अगर हम देखेंगे इसमें हमें एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स वाज टू डेवलप मोर एंड मोर रिसर्च ओरिएंटेड लैब्स, और उसमें हम देख सकते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी है हमने वहाँ पे काफ़ी जो है रिसर्च ग्रांट्स हमने लाई हैं और हमने वहाँ पे लैब्स कुछ डेवलप की हैं, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें पता है कि वहाँ पे उस स्पेशलाइजेशन में कोई जो है अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट या प्रोफेसर है नहीं कोई। So it will go, basically it will be a wastage of the resources if we are not being retained or absorbed in this. So basically hum isse pehle 6 mahine pehle bhi aaye the same mudda leke and we were assured ki hame dobara yahan pe nahi aana padega in Delhi. So after this 6 months there has not been any policy that developed which can guarantee our continuation of services. So that is why we are here. And we are requesting the government to kindly take a note and make a policy in order that we continue our services to the community. Thank you. मेरा नाम डॉक्टर बीरेंद्र कुमार है और मैं PhD IIT दिल्ली से हूँ। ये दुर्भाग्य की बात है कि पिछले एक महीने से हम 1500 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर जो IIT और NIT से PhD पोस्ट डॉग और BTEC MTEC हैं वो पिछले एक महीने से यहाँ पे धरने पे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे ना मिलने आया और ना ही हमें ये आश्वासन देने आया कि हम आपकी सुनेंगे, जबकि हमें रिक्रूट करके प्लेस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट में, और इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ था जिसमें ये क्लियरली मेंशन था कि 3 साल जो प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फंड से इसको चलाएगी
और 3 साल के बाद में स्टेट गवर्नमेंट इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करेगी अपने फंड पे। लेकिन आज के डेट में यह स्थिति है कि स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको रिक्रूट करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए आप उनके पास जाइए और उनसे बोलिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है क्योंकि हमने स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिक्रूट किया था और स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे किया था, तो उनको सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाना है और वो आपको रिटेन करेंगे। और इन दोनों के बीच में ये 1500 से ज़्यादा फैकल्टीज जो है पेंडुलम की तरह लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और इससे क्या होता है कि फैकल्टी का जो स्टूडेंट रेशियो है वो गिरेगा। स्टूडेंट जो जिन स्टूडेंट ने हमें देख के एडमिशन लिया कि इस इंस्टीट्यूट में IITian फैकल्टीज हैं, हमने एडमिशन ले लिया, लेकिन वो फैकल्टी एक साल के दो साल के अंदर वो बाहर चली जाती हैं और वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी लाई जाती है 200-300 रुपये पर आवर के बेसिस पे, जो कि एज पर क्वालिटी मेंटेन नहीं करती हैं। तो ये एक तरह से बच्चों के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके साथ में भी ये चीटिंग है। मेरा नाम है बच्चेलाल पाल, सहायक अध्यापक कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर यूपी। भारतवर्ष में एक स्कीम आई थी टेक क्यूब थर्ड, जिसमें 1554 लोगों का सिलेक्शन हुआ था विभिन्न राज्यों में। जो विभिन्न राज्यों से आए हुए प्राध्यापक मंडी हाउस में 20 दिन से धरने में बैठे हुए हैं। हम लोग अपनी मांगों को रखे हैं कि हमें जो भी प्रोटेक्शन के लिए कहा गया था वो माने नहीं हो रहा है। हम लोग माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री के आवास पे भी गए थे, शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद शिक्षा मंत्री ने हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया अभी तक, और हम लोग अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और शांतिपूर्वक अपने प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। और उम्मीद मैं करता हूँ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि वो हमारी बातों को सुनेंगे और हमें आगे प्रोत्साहित करेंगे। देखिए, मैं टेक यू फैकल्टी हूँ, इस समय मैं HVTU कानपुर में कार्यरत हूँ। मैंने NIT इलाहाबाद से 2016 में MTech किया, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था, मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, लेकिन फिर भारत सरकार का एक स्कीम जो टेक क्यूब टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं वहाँ से जॉब छोड़ के यहाँ पे आया चूँकि मैं सर्च कर सकूँ अपने स्टेट्स में, ठीक है। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी चूँकि स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजों में पढ़ाना था और एक नया लाइन भी मिला था, एक मतलब टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, मतलब लग रहा था कि कुछ हम करने वाले हैं अच्छा। तो चूँकि अब जो हमारी स्थिति है, बस उस पर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि ऐसा कभी नहीं सोचा था कि 3 साल हमको सरकारें हमको ट्रेन करेंगी, IITs में हमारे ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा किया जाएगा, और उसके बाद जबकि हर साल हमारा अप्रेजल भी किया गया और बोला गया कि हम सही हैं, तो एक इनकी जो नीति है वो समझ में नहीं आ रही हमको कि अगर जो हम अच्छे हैं, सारे जो मेजर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम अच्छे हैं, तो सरकार हमें क्यों निकालना चाह रही है। तो ये रीज़न जो है मेरे समझ से परे हैं, क्योंकि अगर जो हम अच्छे हैं तो हमें रखना चाहिए, कायदे से हम पे इतना पैसा खर्चा हुआ है, इतनी ट्रेनिंग हुई है, और बोलते हैं लोग कि आपसे बढ़िया नहीं आ सकता इस सिस्टम में कोई, अगर जो हमसे बढ़िया नहीं आ सकता तो हमें बाहर करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब रही बात सरकारों में टेक्निकल ग्लिच हैं, तो वो ये चाहें तो आपस में सुलझा सकते हैं, उसके बारे में मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं है कि इनमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि अगर जो नीति आयोग कह रहा है कि हम सही हैं, AICTE के डायरेक्टर्स वगैरह कह रहे हैं कि हम सही फैकल्टीज हैं, तो कायदे से तो इनको हमें रखना चाहिए। और दूसरा है कि अगर जो हमें रखना ही नहीं था तो हमारी ट्रेनिंग इतनी करवाने की क्या ज़रूरत थी, हमें अच्छे अच्छे IITs में ट्रेनिंग दी गई हर साल, हमसे बोला गया कि आपके साथ एक सिक्योर आपका सिक्योर फ्यूचर रहेगा टेक्निकल एजुकेशन में, और उसके बाद भी अगर जो हमें हटाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी फॉल्ट है, और ये मतलब एक तरह से कहते हैं वेस्टेज ऑफ मनी है, जो टैक्स पेयर का पैसा वो कहीं ना कहीं सरकार बर्बाद करना चाह रही है। नमस्कार, मैं धनंजय सिंह NIT सुल्तानपुर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर TQ3 प्रोग्राम के अंदर कार्य कर रहा हूँ। मैं NIT जमशेदपुर से अपना MTech किया हुआ है और मेरा इस समय NIT पटना से PhD हो रहा है। जितना अभी तक मेरे भाइयों ने कहा है वो उन सारी बातों के अलावा जो बात इसमें और एक ज़रूरी है वो ये कि हमारे जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको एक कुछ सालों में नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के द्वारा अपने आप को एक्रेडिटेट करना है, और
हम जिन 1554 असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हुआ था कि ये एक्रेडिटेशन की जो रिक्वायरमेंट है इसमें जितने फैकल्टीज़ का कमी हो रहा है वो पूरा किया जाए। और अगर अब अगर इस चीज़ को हम लोग 3 साल में अब हम लोग आए हैं और एक्रेडिटेशन के लिए हम लोगों ने कार्य किया है, अब अगर हम लोग चले जा रहे हैं तो क्या ये चीज़ की अब हमें ज़रूरत नहीं होगी, ये एक बड़ी बात है जो सोचने वाली बात है। और हम लोग के जाने से क्योंकि फैकल्टी जो है वो कम होंगी, इस वजह से एक्रेडिटेशन में सबसे बड़ा नुकसान होगा। धन्यवाद। नमस्कार भारत, मैं ईश्वरी सिंह राजपूत जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अहदे पर कार्यरत हैं KNIT सुल्तानपुर में। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरे भारतवर्ष में 1554 असिस्टेंट प्रोफेसर्स चयनित हुए थे एक प्रोजेक्ट के तहत जिसका नाम था टी क्यूब। पिछले 4 साल से हम लोग इन कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन अब 30 सितंबर 2021 को जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ख़त्म होने वाला है और हम पिछले 19 दिन से यहाँ दिल्ली में रिक्वेस्ट करने के लिए आए हुए हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि वो हमारी बात सुने और हम लोग को जो 4 साल काम करने का मौका दिया है उसको आगे भी बढ़ाया जाए जिससे कि हम छात्रों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकें, उनको अच्छे से पढ़ा सकें और उनको किसी लायक बना सकें। तो मेरी इस मीडिया के थ्रू या मीडिया के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से यही आशा है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे और हमको कार्य करने का आके मौका देंगे। थैंक यू। आज आवाज़ के कार्यक्रम में आपने सभी लोगों का वर्जन सुना। अगर ये IITians या NITians हाईली क्वालिफाइड वेल ट्रेन्ड जिनकी ट्रेनिंग पर इतना खर्चा किया गया, अगर वो लोग आज महीने भर से ज्यादा समय से सड़कों पर हैं तो दिस इज योर फेल्योर। और अगर ये आपका फेल्योर है तो यू हैव टू सॉर्ट इट आउट, आपको इसको ठीक करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ एक और बात कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग ना तो रुकने वाले हैं, ना ही झुकने वाले हैं और ना ही किसी भी परिस्थिति में पीछे बढ़ने वाले हैं। और एक आखिरी बात कि वी विल नॉट वेट, वी विल नॉट स्टॉप एंड वी विल विन। क्या कहते हैं? इक्विप है तो मुमकिन है, इक्विप है तो मुमकिन है। प्लीज रिटेन इक्विप। इसके साथ ही इक्विप है तो मुमकिन है।